नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे जीके नंबर वन आरजी चैनल पे स्वागत है। आज हम पृथ्वी के महत्वपूर्ण सवाल जवाब देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। सवाल नंबर एक, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर है इरेटोस्थनीज। सवाल नंबर दो, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? उत्तर है इंदिरा प्वाइंट, अंडमान निकोबार। सवाल नंबर तीन, पृथ्वी को सबसे पहले किसने गोलाकार माना था? उत्तर है अरस्तु। सवाल नंबर चार, मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? उत्तर है फ्रेडरिक रेटजल। सवाल नंबर पाँच, सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था? उत्तर है इंद्रलीत 1752। सवाल नंबर छः, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली थी? उत्तर है 19वीं शताब्दी। सवाल नंबर सात, भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? उत्तर है टॉलेमी। सवाल नंबर आठ, पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन किसने किया था? उत्तर है इरेटोस्थनीज। सवाल नंबर नाइन, कौन एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता थे? उत्तर है फ्रेडरिक रेटजल। सवाल नंबर दस, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? उत्तर है इरेटोस्थनीज। सवाल नंबर 11, किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक बनाया था? उत्तर है एनेक्सिमेंडर। सवाल नंबर 12, सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया था? उत्तर है आर्यभट्ट। सवाल नंबर 13, किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का पीरियोडिस यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया था? उत्तर है हिकेटियस। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।